सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों की कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ खबरों के ऊपर, आप लोगों के कुछ डाउट्स जो अभी भी बने हुए हैं। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो दूर हो पाएंगे, और आप लोग एक दूसरे के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने जो है व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर भी आप दोनों पर ही जो है आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डीएस एजुकेटर के नाम से। टेलीग्राम पर भी डीएस एजुकेटर है और व्हाट्सएप पर भी, और ये आपको दोनों जगह मिल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके एक दूसरे के साथ साझा करें। मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों के साथ हर बात को लेकर के चर्चा करूँगा, सब्जेक्ट चेंज को लेकर के भी। कुछ बच्चे जो है सब्जेक्ट चेंज की बात कर रहे हैं, बीए पार्ट फर्स्ट के, तो सब्जेक्ट चेंज की भी बात होगी, सेकंड लिस्ट की भी बात होगी, ठीक है। और बीए में प्राइवेट से रेगुलर होना है सेकंड ईयर में, उसकी भी मैं बात करूँगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इस पूरे वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों की मार्कशीट, आप लोगों का रिवेल का रिजल्ट, रिवेल की प्रक्रिया, सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम, इन सब को लेकर के चर्चा है। देखिए ये थोड़ा वीडियो 8-10 मिनट का हो सकता है क्योंकि चीज़ें बहुत हैं कवर करने के लिए। सबसे पहले तो जिन बच्चों का बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है और जो प्राइवेट बच्चे हैं, ख़ासतौर पे मैं गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा की बात कर रहा हूँ बेटा, जो बच्चे प्राइवेट थे और जो पास हैं, यानी जिनके मार्कशीट में POSO लिखा हुआ नहीं आया है, पास लिखा हुआ आया है ना, वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर होने के लिए। प्राइवेट बच्चे जो रेगुलर होना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, संभवतया अगले 2-3 दिनों में हम लोग फॉर्म निकाल देंगे, नेक्स्ट 2-3 डेज में, और ये जो प्रोसेस है वो हम लोग शुरू कर देंगे। तो इसको लेकर के अभी मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू होगी। एक फॉर्म आता है 4 पेज का, वो मैं बहुत जल्दी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब मैं बात करूँ रिजल्ट वाले सेक्शन पर। देखिए POSO का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, यानी जिनके कंपलसरी में कम नंबर है हिंदी इंग्लिश में और जिस पेपर में भी 36 से कम है, तो उनको वो पेपर या तो सप्लीमेंट्री के साथ या सेकेंड ईयर के साथ देना पड़ेगा। ये बात मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा कर दी थी। मैं मार्कशीट की बात करूं तो मार्कशीट देखो अभी सिर्फ बीए थर्ड ईयर और बीएससी में, यदि हम बात करें तो बीएससी में सेकंड और थर्ड ईयर की आ चुकी है। बहुत जल्दी जो है एमए की मार्कशीट जिनका रिजल्ट पहले आया था वो आ जाएंगी, और इसके बाद जो है बीए सेकंड ईयर की मार्कशीट लगभग 25 तारीख के बाद, और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट उसके भी बाद आएगी। तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, इसको लेकर के ज़्यादा परेशान किसी बच्चे को जो है होना नहीं है। और मैं इसीलिए बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग यदि चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी सूचनाएं जो हैं यहाँ पे मिली जाएंगी। मार्कशीट को लेकर के पिछले वीडियो में बच्चों ने कहा था कि सर आप डिस्कस करना भूल गए, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस करना ज़रूरी था। और जो रिवेल की प्रक्रिया है इसको लेकर के भी बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए रिवेल की जो प्रोसेस है ना वो आप लोग ऑनलाइन कर दो पहले, तो ऑनलाइन, और फर्स्ट ईयर का जो रिवेलेशन का प्रोसेस है वो कल या परसों में शुरू हो जाएगा, कल या परसों में, तो इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। कंपलसरी में रिवेल नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शनल में होता है, और ओरिजिनल मार्कशीट आने के बाद आपको ये यूनिवर्सिटी भेजना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में भेजने हैं, फॉर्म और फॉर्म के साथ ओरिजिनल मार्कशीट, फीस की रसीद जो चालान आपने कटवाया है वो वाला। अच्छा सप्लीमेंट्री की हम लोग बात करें, थोड़ा सा डिस्कशन में सप्लीमेंट्री के ऊपर इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि सप्लीमेंट्री बहुत सारे बच्चों की आई है। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जिस पेपर में आपके जो 100 नंबर का पेपर था यदि 36 से कम है या 72 से कम है उसमें आपकी सप्लीमेंट्री है, दो सब्जेक्ट में ऐसा है तो आपके मार्कशीट में फेल लिखा हुआ है, फेल बच्चे रिवेल करा सकते हैं, सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते। यदि नंबर नहीं बढ़े तो उनको दोबारा फर्स्ट ईयर
या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जिस क्लास में वो फेल हुआ है वो पूरी क्लास दोबारा देनी पड़ेगी, सारे पेपर देने पड़ेंगे। और सप्लीमेंट्री के फॉर्म इस महीने के आखिर में और एग्ज़ाम दीपावली से पहले, एग्ज़ाम जो है विल बी पॉसिबल कि बिफोर दिवाली जो है एग्ज़ाम्स आपकी हो सकती है, ये संभावना व्यक्त की जाती है। और जो पेपर हमारे 75 के हुए हैं उनमें आप लोगों को 27 27 चाहिए, टोटल 54 नंबर चाहिए। तो इसको लेकर के मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कशन आप बच्चों के साथ किया है, तो मेरे सामने इट इज़ एनफ वन फॉर यू, सभी बच्चों के लिए बहुत पर्याप्त है ये। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन जो है बच्चों के बीच में करना चाहूँगा स्कॉलरशिप्स को लेकर के भी, कि स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है। देखिए स्कॉलरशिप को लेकर के मेन चीज़ ये है कि स्कॉलरशिप के जो फॉर्म हैं, जो कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना और जो देवनारायण स्कूटी योजना है उसको लेकर के ज़्यादा अपडेट है। 2000 जो 21-22 की स्कूटी है वो संभवतया इसी महीने मिलेंगी, आपको एक ई वाउचर मिलेगा और ई वाउचर के माध्यम से आप लोग जो है अपनी स्कूटी को शोरूम में जा कर के ले पाएंगे। और 2022-23 की जो स्कूटी है वो भी संभवतया इसी महीने के आखिर में मिलेंगी, इसी महीने के आखिर में ये देखिए संभावना है। और 2000 यदि हम लोग 23-24 की बात करें तो इसकी तो अभी स्थायी सूची नहीं आई है, तो पहले तो इसकी स्थायी सूची आएगी, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और इसके बाद स्कूटी। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी टाइम लगेगा, लगभग 15 अक्टूबर के आसपास संभवतया ऐसा हो सकता है कि इन बच्चों को भी स्कूटी मिले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो पिछले दोनों बैच हैं उन बच्चों को स्कूटी इसी महीने शायद मिल सकती है, तो वो बच्चे थोड़े से सतर्क रहे। सेमेस्टर को लेकर के भी मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ साझा करना चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और बड़ा मैंने इसलिए बनाया है। देखिए सेमेस्टर में होगा क्या, BSc और BCom फर्स्ट ईयर की बात है और रेगुलर और प्राइवेट, तो एक तो 6 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेम में 3 ऑप्शनल होंगे, एक एक पेपर होगा, एक कंपलसरी का होगा। इसी प्रकार से ये फर्स्ट सेम हो गया, फिर सेकंड सेम में फिर वही 3 पेपर एक कंपलसरी, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, सिक्स्थ में, तो इस प्रकार से यहाँ 3 3 ऑप्शनल चलते रहेंगे और साथ में कंपलसरी आपके चलते रहेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में जो है आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। पेपर जो होगा वो आपके 100 नंबर का पेपर होगा बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में और 50 नंबर के इंटरनल होंगे, और जो दूसरी है उसमें 30 नंबर के इंटरनल होंगे और 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरीके का प्लान जो है बनाया गया है। और एमए की बात करें तो एमए एमएससी एमकॉम की, तो वहाँ भी प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए सेमेस्टर है। देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सेमेस्टर नहीं है। इधर एमए प्रीवियस और फाइनल, तो प्रीवियस में सेमेस्टर है, फाइनल में जैसे पहले हुआ था वैसे ही होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अगले कुछ दिनों में जो है अपलोड हो जाएंगे, इस महीने में सारे सिलेबस आपके आ जाएंगे, परेशान किसी को नहीं होना है। मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें साझा कर दूंगा और आप एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मेरे सामने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। रिवेल का फॉर्म आप तभी जमा कराएं जब ओरिजिनल मार्कशीट आ जाए। थैंक यू।